क्या आपने नोटों का बाजार देखा है जहाँ किलो के हिसाब से नोट बेचे जाते हो? अगर नहीं तो चलिए आज हम आपको बताते हैं एक ऐसे सचमुच के बाजार के बारे में। एक अफ्रीकी देश सोमालीलैंड में सड़कों पर नोटों के बंडल बिकते हैं। 1991 में गृह युद्ध के बाद सोमालिया से अलग होकर एक नया देश बना सोमालीलैंड। इस देश को अब तक किसी भी राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय रूप से मान्यता नहीं दी थी। जाहिर है ये देश बेहद गरीबी से जूझ रहा है। यहाँ ना कोई सरकारी व्यवस्था लागू हो पाई और ना ही कोई रोजगार। सोमालीलैंड की मुद्रा शीलिंग है, जिसका किसी देश में कोई मूल्य नहीं है। इसके यहाँ मुद्रा स्फीति इतनी बढ़ गई है कि लोगों को ब्रेड भी खरीदनी हो तो बोरे में भरकर नोट देने पड़ते हैं। यही कारण है कि यहाँ सिर्फ 500 और 1000 जैसे बड़े नोट चलन में है। सोमालीलैंड के बाजार में एक अमेरिकी डॉलर के बदले में 9000 शीलिंग मिल जाते हैं। खबर है कि यहाँ करीब 650 रुपए में 50 किलो से ज्यादा शीलिंग खरीदे जा सकते हैं। वैसे इससे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एक तो इसको लाना ले जाना काफी मुश्किल है, ऊपर से इतनी रकम देने के बाद भी आपको सामान बहुत कम ही मिलेगा। यहाँ सोने का छोटा सा नेकलेस खरीदने के लिए भी 10 से 20 लाख रुपए देने पड़ते हैं। इस देश में एक भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त बैंक नहीं है। ऐसे में स्वाभाविक है कि यहाँ कोई बैंकिंग सिस्टम या एटीएम भी नहीं है। जहाँ भारत में कैशलेस की व्यवस्था के लिए अब भी जद्दोजहद चल रही है, वहीं इस देश सोमालीलैंड में दो प्राइवेट कंपनीज ने मोबाइल बैंकिंग इकोनॉमी की व्यवस्था शुरू की है। इन कंपनियों ने इस परेशानी को देखते हुए ही ये व्यवस्था खड़ी की है। यहाँ पैसे कंपनी के जरिए फोन में जमा होते हैं और फोन के जरिए ही सामान बेचा या खरीदा जाता है। टीम न्यूज़ नाउ।